यह चैनल किसी भी अवैध सामग्री को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री का मतलब है शैक्षणिक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं ऑफिशियल रोम। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Redmi 6A के बारे में। Redmi 6A में अगर आपका FRP लॉक लग जाए MIUI 10 में, तो आप किस तरीके से बहुत ही इजी वे में रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अपने वाईफाई से पहले अपने फ़ोन को कनेक्ट करना होगा, और उसके बाद आपको चेक करा के दिखा देता हूं मैं कि जो मेरे फ़ोन में जो FRP लॉक लगा हुआ है, गूगल FRP लॉक, जिसको हम बाईपास कर सकते हैं विदाउट PC के बिना हम बाईपास कर सकते हैं। और बहुत ही इजी मेथड में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से Redmi 6A में FRP लॉक को रिमूव कर सकते हैं MIUI 10 में, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में कोई भी इसका तोड़ नहीं आता है इतनी जल्दी। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई योर अकाउंट बोल रहा है, यहाँ जीमेल अकाउंट मांग रहा है, जो कि मुझे नहीं पता है और ना ही मुझे पैटर्न लॉक पता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहले तो आपको अपनी एक सिम, कोई भी एक सिम, GSM सिम 2G हो चाहे 3G हो, उसको आपको इसके अंदर इंसर्ट करनी होगी। इंसर्ट करने के बाद आपको सिंपल सा ये करना होगा कि जैसे आप इस अपनी सिम को इंसर्ट कर देंगे इसमें, पहले तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा अपने नेटवर्क में से, तो इसको आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको विजिट पे करना है क्लिक। तो आप जैसे देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जब आप सर्च पे करते हैं तो नहीं खुलेगा, तो उस पे करना होगा, तो उसके बाद मैसेज पे जाना पड़ेगा। मैसेज पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सिम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि जब विदाउट मैसेज किए आप URLs को ओपन नहीं कर सकते हैं इसमें, इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूँ इसमें कि किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको छोटी सी सिम है, जो मिनी सिम कहते हैं हम उसे, माइक्रो सिम यहाँ लगानी है हमें। माइक्रो सिम लगा के और मैं इसको अपने फ़ोन में इंसर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने इसको सिम को इंसर्ट किया अपने फ़ोन में, स्लॉट को इंसर्ट कर दिया, तो उसके बाद मैं देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ देखिएगा कि हमारे जो नेटवर्क्स हैं वो आ चुके हैं, आने वाले हैं, आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई भी एक नंबर डालना है, मैं 1900 डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है URL www.youtube.com। यहाँ पे आपको ये टाइप करना पड़ेगा, जैसे आप इसको टाइप कर लेंगे आपको उसको सेंड करना होगा, जैसे youtube.com, ठीक है, सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद आपको यहाँ पे एक URL बन के आएगा, जैसे उस पर टैप करेंगे आप तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आएगा, तो आपको सीधे ब्राउज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे आपका सीधे डायरेक्टली YouTube खुल जाएगा, YouTube का प्ले स्टोर। उसके बाद आपको अकाउंट्स में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद अबाउट्स में जाके आपको YouTube टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो सिस्टम का ब्राउज़र होता है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल इसमें सर्च मारना होगा ऑफिशियल रोम, तो चलिए सर्च मार लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसमें खोल लिया है अपना वेबसाइट को, जो खोल लिया है, और सबसे टॉप पर ही मेरी वो थी, मतलब मैंने पोस्ट किया था उस सबसे टॉप पे ही है। पर आप सर्च मार लीजिएगा Redmi 6A, तो आप देख सकते हैं Redmi 6A MIUI 10 को किस तरीके से रिमूव करते हैं। मैंने पहले से ही पोस्ट मार रखा है, और आप यहाँ से आसानी से फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सबसे नीचे चले जाइए, नीचे जाने के बाद आपको सबसे पहले लॉन्चर को इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि लॉन्चर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कि लॉन्चर इंस्टॉल करने के बाद आपके सारे जो फाइल मैनेजर हो गया, सेटिंग हो गया, ये आप आसानी से ओपन कर सकते हैं इसके थ्रू। तो पहले आपको ये करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक छोटा सा टाइमर चलेगा, इस टाइमर को आपको कंप्लीट करना होगा, जो कि 8 सेकंड का टाइमर होता है। यहाँ पर प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आपका ये टाइमर ख़त्म हो जाएगा आप उस पर गेट लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी फाइल है डाउनलोडिंग वाली वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आपको 15 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। और जैसे आप 15 सेकंड का वेट करने के बाद आप उस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए वेट करते हैं और अपनी फाइल को डाउनलोड होने देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको हम सेटिंग, इसमें से हम अनसोर्स कर ऑलवेज कर देते हैं सोर्स को, और इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप ये जो इसका जो खुद का एक स्कैनर होता है वो स्कैन करेगा इस एप्लीकेशंस को। तो ये देखिए आप यहाँ पे स्कैन कर रहा है, यहाँ पर स्कैन करने के बाद थोड़ी देर में आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑन हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ डन करने के बाद इस पर आप ओपन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे जो आपका लॉन्चर है वो एक्टिवेट हो जाएगा आपके फ़ोन में। तो अब क्या करना है आपको, देखिए आपका लॉन्चर ओपन हो चुका है, अब सीधे आपको क्रोम पे खोलना है। क्रोम में दोबारा से आपको ऑफिशियल रोम की वेबसाइट पे जाना है, वही पोस्ट को ओपन करना है। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे पोस्ट की लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूं अपनी फिर से दोबारा से वेबसाइट को।
का है और यहाँ पर लॉन्चर का ऑप्शन आ रहा है कि हमने जो लॉन्चर इंस्टॉल किया था और एक जो सिस्टम का लॉन्चर है, ये दोनों लॉन्चर आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं हमने सिस्टम वाला लॉन्चर को ऑन कर दिया। अब क्या करना है, आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा का पूरा फ़ोन है वो पूरी तरीके से ऑपरेट हो रहा है और जो हमारा जीमेल अकाउंट लगा हुआ था वो भी रिमूव हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।